Hello and welcome to this special broadcast. The 9th edition of the Vibrant Summit in Gujarat is going to take off in January. Joining us right now to talk about the Vibrant Summit is Mr. Vijay Rupani, the Chief Minister of Gujarat. Mr. Rupani, thanks very much for speaking to CNBC-TV18. What's going to be the theme and the objectives of the 9th Vibrant Gujarat Summit? Actually, Vibrant Gujarat Summit 2003 se हमारे उस वक्त के मुख्यमंत्री थे और अब प्रधानमंत्री ये मोदी जी ने पूरा जिससे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उद्योग उसमें भी सोशल और एग्रीकल्चर दोनों सेक्टर में उसका प्रभाव भी बने ज्यादा लोगों को रोजी रोटी मिले और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी उससे बढ़े उस दृष्टि से ये एक वाइब्रेंट गुजरात समिट स्टार्ट किया मुझे बहुत खुशी है कि पूरा देश आज उसे फॉलो कर रहा है यूपी पंजाब बंगाल इस महाराष्ट्र सबने वाइब्रेंट हमारे मॉडल पर ये मीट समिट उन्होंने चालू किए लेकिन गुजरात वाइब्रेंट समिट आज सिर्फ गुजरात के लिए नहीं पूरे दुनिया के लिए ग्लोबल समिट बन गया है ग्लोबल मंच भी बना है क्योंकि लास्ट टाइम 100 से ज्यादा कंट्री के लोग आए थे 30,000 डेलीगेट ने भाग लिया था और गुजरात का डेवलपमेंट सिर्फ नहीं ग्लोबली भी जो कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिजनेस इसके बारे में भी सबने साथ में मिलकर चर्चा विचारणा मंथन मीटिंगें काफी की तो इससे सबको लाभ हुआ है गुजरात को तो नेचुरल कोर्स में लाभ मिला है लेकिन पूरी दुनिया को लाभ मिला है पूरे देश को लाभ मिला है लेकिन रूपानी साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा 2003 में इसकी शुरुआत हुई आपने बताया कि इस वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ने गुजरात को वर्ल्ड मैप पे ले आया है हाउ मच इन्वेस्टमेंट हैज इट ट्रांसलेटेड इनटू सिंस 2003 हाउ मच इन्वेस्टमेंट हैज रियली कम इनटू गुजरात एज अ रिजल्ट ऑफ दिस समिट थ्री से अब तक का टोटल तो नहीं किया है लेकिन जितने एमओयू हुए उसमें से 65% से ज्यादा इंप्लीमेंट हुए यानी कि प्रोडक्शन में आ गए स्वाभाविक है कि एक एमओयू उसको एमओयू के बाद पूरी प्रोसेस यानी कि जितनी भी क्लियरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है लैंड एक्विजिशन करना पड़ता है यानी कि लैंड लेना पड़ता है लैंड के बाद उसका प्रोजेक्ट वहां वो फिट करने की कोशिश करता है फिर प्लांट एंड मशीनरी आती है ये सब 4-5 साल एक एमओयू के बाद एक प्रोजेक्ट 1,000 करोड़ से ज्यादा रुपया का इन्वेस्टमेंट उसको 4-5 साल लगता है तो अभी तक 65% से ज्यादा एमओयू इंप्लीमेंट हो गए हैं और इसके कारण हर साल 10 लाख लोगों को नौकरियां मिलती है रोजगार मिलता है फिर भी अगर रूपानी साहब इफ आई आस्क यू दैट इन द लास्ट 5 ईयर्स हाउ मच इन्वेस्टमेंट वुड हैव कम Any number that you can give, approximate number? वो कठिन है कहना लेकिन पूरे देश में हाईएस्ट एफडीआई इन्वेस्टमेंट गुजरात में हुआ है वो भी फिगर्स ऑफिशियल है ऑफिशियल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है प्रोडक्शन में भी गुजरात आगे है एक्सपोर्ट में हम 20% एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये कि ये सब यहां हो रहा है जैसे मारुति तो करीबन 75,000 करोड़ से ज्यादा एक मारुति का ही इन्वेस्टमेंट हुआ और आज 7.5 लाख गाड़ियां वो बना रहे हैं और नेक्स्ट हमारे वाइब्रेंट में वो और एमओयू करने वाला है और 15 लाख तक उनकी कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं तो एक मैंने मारुति की बात की ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स Mr. Rupani, just to focus on the theme, we have been reading that this time, other than
attracting more investments, the focus will also be on trade and services. Is that correct? Actually, any kind of announcements that we can look at during the Vibrant Summit this time? Announcement to theek hai, lekin is bar ka jo theme hai, wo shaping new India. Dusra, export kaise jyada ho Gujarat se, us par hum focus karne wale hai. Aur Africa Day hum mana rahe hai. तो अफ्रीकन कंट्री के बहुत सारे डेलीगेशन आएंगे और अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि अफ्रीका से यहां इन्वेस्टमेंट आने वाला नहीं है लेकिन हमारे गुजरात की कंपनियां उसका ट्रेड को उसका प्रोग्रेस के लिए वो अफ्रीका में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे और वहां बिजनेस करे उसका भी हम B2B मीटिंग डायरेक्ट मीटिंग कराएंगे सबके साथ वो भी प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं कुछ हेड्स ऑफ स्टेट भी आ रहे हैं सर अफ्रीकन नेशन से हेड्स ऑफ स्टेट हां हर बार बार आते हैं इस बार भी आने वाले हैं और विशेष तौर पर अफ्रीका डे मना रहेंगे तो अफ्रीकन सभी कंट्री से लोग आने वाले हमें सुनने में आ रहा है कि एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पे भी काम हो रहा है क्या इसकी अनाउंसमेंट वाइब्रेंट गुजरात समिट से पहले होगी या उसी के दौरान होगी इसके पहले होगी हम लोग यानी कि गुजरात पॉलिसी ड्रिवन स्टेट है पॉलिसी के कारण एक स्टेबिलिटी होती है सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट जो होता है उसको भी निश्चिंत होता है वो लोग क्योंकि पॉलिसी के कारण व्यक्ति आए जाए ऑफिसर बदले पॉलिटिक्स में भी आज मुख्यमंत्री में हूं पहले आनंदीबेन जी थी इसके पहले मोदी जी थे लेकिन पॉलिसी के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता है तो लॉन्ग टर्म कोई चेंज नहीं है इसलिए इन्वेस्टमेंट बेकार ना हो इसलिए पॉलिसी ये पहला हमारा हम लोग करते हैं अभी तक 20 से ज्यादा पॉलिसी हमने डिक्लेयर की है और इस बार लॉजिस्टिक की हम पॉलिसी बना रहे हैं इससे कैसे फर्क पड़ेगा इसमें क्या है कि एक्चुअली अब ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक वो काफी असर कर रहा है और इसके कारण ये बिजनेस और इंडस्ट्रीज को असर पड़ता है तो इसके लिए भी फिक्स पॉलिसी हो तो उन लोगों को काम करने के लिए अनुकूलता प्राप्त हो इसलिए इस पॉलिसी को भी हम इस बार ला रहे हैं देयर हैज बीन अ फोकस आल्सो ऑन द डिफेंस सेक्टर इट इज बीइंग सेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डेवलप धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर डिफेंस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग विल दिस आल्सो बी वन ऑफ द थीम्स ऑफ द गुजरात समिट लास्ट टाइम हमने वाइब्रेंट के वक्त डिफेंस एंड एरोस्पेस की पॉलिसी डिक्लेयर की है हम चाहते हैं कि गुजरात में डिफेंस क्षेत्र में काफी इन्वेस्टमेंट और यहां हमारे यहां मेक इन इंडिया बने इसलिए हमने एयर मार्शल मिस्टर धीर जो रिटायर्ड हुए वो गुजरात उसका हेडक्वार्टर था उसको हमने स्पेशल इसलिए एडवाइजर के नाते उनको काम दिया है और हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि डिफेंस के जितने शस्त्र बनते हैं सरंजाम बनते हैं जैसे सूज से लेकर कैप तक बहुत सारे डिफेंस के लोगों के लिए उपयोगी जितने प्रोडक्शन होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा गुजरात में कैसे हो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं धोलेरा एक हमारा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है क्योंकि सिंगापुर से भी ज्यादा यहां हमने लैंड इसके लिए एक नोटिफाई किया है धोलेरा के लिए एयरपोर्ट का भी आज हमने यहां एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ बातचीत की है और हम आगे बढ़ रहे हैं अहमदाबाद से नजदीक है तो एक्सप्रेस हाईवे वो काम भी चल रहा है तो धोलेरा को हम डेवलप कर रहे हैं धोलेरा समंदर किनारे है आने वाले दिन में पोर्ट भी हो सकता है तो पूरा इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी उसको हम बना रहे हैं इकोसिस्टम पे फोकस इकोसिस्टम फोकस आई वुड लाइक टू नाउ फोकस आल्सो ऑन द स्टेट ऑफ फार्मर्स इन गुजरात 51 तालुक्स अक्रॉस 11 डिस्ट्रिक्ट्स आर फेसिंग वाटर स्कैसिटी दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली वाटर स्कैसिटी नहीं है लेकिन बहुत बारिश कम हुआ है इस बहुत
वो तहसील में, इसलिए वहां जो कुछ किसानों ने बोया था वो तदन फेल हो गया है. इसके लिए हमने एक स्केयर सिटी डिक्लेयर की है. कितनी डिस्ट्रिक्ट? 51 तहसील, 51 तहसील. और अभी भी हम लोग सोच रहे हैं, ऐसे भी बहुत सारे तहसील है कि जहां पूरा जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हुआ है बारिश के अभाव के कारण. पिछला 40 दिन तक बारिश नहीं आई. पहले बारिश आई लेकिन मानसून के अंत में जो बारिश आनी चाहिए वो 40 दिन तक नहीं है, इसलिए पूरा क्रॉप वो खत्म हो गया. तो ये हो सकता है कि जो 51 से ज्यादा भी बढ़ सकता है. कितना हो सकता है? अभी पक्का तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन 15-20 और बढ़ सकता है. तो उसको सहायता देने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं. रबी क्रॉप की जो सोइंग होती है, सोइंग ऑफ रबी क्रॉप हैज फॉलन बाय ऑलमोस्ट 47% कंपेयर टू लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ पुअर मॉनसून एंड शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई फॉर इरिगेशन इन द नर्मदा कनाल नेटवर्क. व्हाट इज द स्टेट गवर्नमेंट गोइंग टू डू अबाउट दिस? देखिए, ये पुअर मॉनसून के कारण ये सब प्रॉब्लम है, लेकिन नर्मदा नेटवर्क के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं है. नर्मदा में लास्ट टाइम से ज्यादा पानी इस बार है, इसलिए हम लोग ने 12 तारीख से नर्मदा में से पानी ये विंटर सेशन के लिए छोड़ा है, रवि मौसम के लिए, और फरवरी अंत तक हम पानी देंगे. तो ये जो नेटवर्क, नर्मदा नेटवर्क और इरिगेशन नेटवर्क में जितने जो हम इरिगेटेड लैंड है उसको पानी मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. फार्म लोन वेवर की बहुत बात चल रही है, एंड अकॉर्डिंग टू सम फिगर्स द टोटल क्रॉप लोन आउटस्टैंडिंग वुड बी 45,607 करोड़. एनी थिंकिंग विद इन द गवर्नमेंट टू अनाउंस अ लोन वेवर टू सम एक्सटेंट? गुजरात ऐसा स्टेट है, 90% लोग अपना लोन वापस बैंक में पैसा भरते हैं, यानी कि बैंक की रिकवरी होती है 90%. और किसान नहीं चाहते हैं कि लोन आप ऋण मुक्त करो. तो ये बात कोई किसानों के हित के लिए भी नहीं है, स्टेट के हित के लिए भी नहीं है. तो मतलब लोन वेवर की बात को आप पूरी तरह रूल आउट करते हैं? मैं मानता हूं कि ये बात गुजरात में होने वाली नहीं है. नहीं होगी. 6 farmers have committed suicide in the last 2 months due to crop failure. Groundnut farmers. नहीं, नहीं, कोई crop failure के कारण नहीं है, अलग अलग reason है. और अलग अलग reason के कारण है ये. actually क्या होता है कि छोटे गांव में कोई suicide करता है और FIR में क्या होता है, क्या करता था? तो खेती यानी कि कृषि. तो इसका मतलब है कि farmer crop के कारण उसका सुसाइड हुआ है, ऐसा मानना उचित नहीं है. अलग अलग रीजन, सोशल रीजन होता है, बाकी रीजन होता है. तो ये बात कोई महत्व की नहीं है. ग्राउंडनट फार्मर्स की अगर बात करें सर, दे आर डिमांडिंग रिविजन ऑफ FAQ नॉर्म्स बिकॉज ऑफ अ डेफिशिएंट मॉनसून. और एक ग्राउंडनट स्कैम भी जो हुआ, एक्चुअली उसमें कांग्रेस कह रही है कवर अप था. एक्चुअली क्या है, FAQ जो है, 65 FAQ बोलते हैं. ये जो ग्राउंडनट अलग अलग जगह जो उत्पन्न हुई है, तो 60 अप, कोई 62 है, कोई 63 है, कोई 64 है, 65. तो ये सब खरीद करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने निश्चय कर लिया है और हम खरीद कर रहे हैं कल से और खरीदेंगे. जैसे गेहूं में क्या था, जैसे डांगर चौक राइस में क्या है कि स्पेसिफिक FAQ के नीचे है तो थोड़ा पैसा कम देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो राज्य सरकार देंगी अगर जरूरत पड़े तो. इसलिए कोई ये इश्यूज नहीं है. ऑलराइट, मिस्टर रूपानी, ऑन दैट नोट वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, बट डोंट गो एनीवेयर, वी आर कीपिंग दिस कॉन्वर्सेशन गोइंग. वी विल पुट मोर क्वेश्चंस टू द गुजरात चीफ मिनिस्टर. बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक.